हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एकेडमी क्लासेस में। तो हिंदी की पिछली क्लास में मैंने आपको सर्वनाम के जो भेद हुआ करते थे उनको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्रिया के बारे में, जो कि एक हमारा विकारी शब्द है। तो विकारी शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। इसमें मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, जिसमें मैंने आपको संज्ञा एवं सर्वनाम दो विकारी शब्दों को मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम तीसरा पार्ट उसका पढ़ने वाले हैं, विकारी शब्दों का। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, जो हमारा विकारी शब्द होगा, वह क्या होगा? क्रिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वर्ब। विकारी शब्द, इसका हेडिंग क्या होगा अपना? क्रिया। क्रिया इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। क्रिया किसे कहते हैं? सामान्यतः जब क्रिया की परिभाषा की बात आती है तो अधिकांश लोग यही बोलते हैं कि किसी भी काम को करना क्रिया कहलाती है, जो कि पूर्णतया सत्य बात है। लेकिन मैं यदि आप सबसे पूछूं कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है, क्रिया किस प्रकार से बनती है, तो उसका आंसर आप कैसे देंगे? तो वो सब बातें आप हम इसमें जानेंगे। देखो, परिभाषा तो सिंपल सी होती है कि किसी भी काम को हम कर लेते हैं तो वही क्या होती है? क्रिया होती है। लेकिन जो क्रिया होती है कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, वह हम इसमें जानेंगे। तो देखो, होता क्या, सामान्यता जो संस्कृत भाषा होती है, तो संस्कृत भाषा के जितने भी धातुएं होती हैं, क्या होती है? जितने भी धातुएं होती हैं। अब धातु मतलब यहाँ पे मेटल नहीं होता है, धातु मतलब शब्द का प्रारंभिक जो वर्ड होता है, जो मूल वर्ड होता है, उसको बोलते हैं धातु। धातु, जैसे मैंने बोल दिया आप पढ़ना, यदि मैंने लिखा है पढ़ना, तो पढ़ना कैसे बना होगा? पढ़ प्लस ना से मिलकर, इस चीज से मिलकर बना होगा पढ़। तो पढ़ अकेला क्या हो जाएगा? संस्कृत शब्द के धातु का ये क्या बन जाएगा? धातु। पढ़ क्या हो जाएगी हमारी? धातु। जैसे यदि मैंने लिख दिया लिख, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? धातु हो जाएगी। जैसे मैंने दिया मैंने खेल, तो खेल क्या हो जाएगी हमारी? धातु हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? क्रिया संस्कृत की धातुएं, जो कि स्टार्टिंग में जो होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? बस धातुएं, ठीक है, से मिलकर बनी होती है। यदि हम किसी धातु शब्दों में क्या लगा दें? प्रत्यय को जोड़ दें। क्या कर दें मैं अपन? प्रत्यय को जोड़ दें, तो क्या बन जाती है हमारी? क्रिया बन जाती है। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे लिख, एक धातु है जिसे मैंने जोड़ दिया ना प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा इधर? लिखना। उसी प्रकार से मैंने खेल लिखा यहाँ पे एक धातु, उससे मैंने जोड़ दिया ना प्रत्यय, तो क्या बन गया? खेलना। इसी प्रकार से हम और सारी बहुत सारी क्रियाओं के बारे में ले सकते हैं। यहां से जो प्रश्न बनता है मुख्य रूप से, वह क्या है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप या क्रिया किससे मिलके बनी होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वह क्या होता है? संस्कृत की धातु होती है, या फिर क्या बोलेंगे अपन उसको, आंसर अकेला क्या बोलेंगे? धातु। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है, जो कि धातुओं से निर्मित होकर उनमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे समझ में आई होगी, किस प्रकार से ये बनता है और किन किन चीजों से ये निर्मित होता है। तो अब आगे हम इसमें जानेंगे क्रिया के प्रकार, कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में जानेंगे। आगे हेडिंग लिखना, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, जब भी हम क्रिया के प्रकार की बात करते हैं तो कर्म के आधार पर, तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार से होती है। एक होता है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा क्या होता है? संरचना या बनावट के आधार पर। तो दो प्रकार से हम यहां पर क्रियाओं के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला क्या होगा अपना? कर्म के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार से होती हैं, और संरचना या बनावट के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार से होती हैं। तो पहले हम जानेंगे कर्म के आधार पर, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, क्योंकि ये वाली चीज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग लिखना इसमें, कर्म के आधार पर क्रियाओं के भेद। तो
इसमें हम जानेंगे कि कर्म के आधार पर क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो कर्म के आधार पर क्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरी क्या होती है? अकर्मक क्रिया। पहले क्या होती है बच्चों? सकर्मक क्रिया। और दूसरी क्या होती है इसी में? अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उसको जानने के लिए हमें इसका एक टाइप और पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको यहाँ पे दिख रहा है तो देखना, यहाँ पे सकर्मक क्रिया जो होती है वह प्रायः फिर से दो प्रकार से होती है। इसमें क्या होती है? एक सकर्मक क्रिया और दूसरी क्या है? द्वि सकर्मक क्रिया। देखो यहां पर कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, सकर्मक एवं अकर्मक, ठीक है। और जो सकर्मक क्रिया होती है वह पुनः दो प्रकार से होती है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी वाली क्या होती है? द्वि सकर्मक क्रिया। तो हेडिंग लिखना पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब क्या होता है? स प्लस कर्म। जो यहाँ पे सा लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है सहित, और कर्म मतलब क्या होता है? किसी भी कर्म को अपन कर रहे हैं, कर्म मतलब कर्म होगा जो भी अपन करते हैं, ठीक है। जैसे इस दुनिया में हम आए तो कोई ना कोई हम कर्म तो करते हैं ना, तो कर्म मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? कर्म कहते हैं। क्रिया को करना कर्म कहलाता है। कर्म मतलब क्या होता है? क्रिया को करना, क्रिया को करना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? वे क्रिया वाक्य जिनमें कर्म पाया जाता है। स मतलब क्या होता है? सहित। और कर्म मतलब क्या होता है? क्रिया को करना, ठीक है। तो वे क्रिया वाक्य जिनमें कर्म पाया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और यदि जिन क्रिया वाक्यों में केवल एक कर्म पाया जाता है, देखो पहले क्या बोला मैंने, जिन क्रिया वाक्यों में कर्म पाया जाता है उन्हें अपन सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रिया वाक्यों में एक कर्म पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एक सकर्मक क्रिया। और जिन क्रिया वाक्यों में दो कर्म पाए जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? द्वि सकर्मक क्रिया। अब इसके उदाहरण देख लो, पहले वाले क्या होंगे? पहले वाले की बात करते हैं अपन, एक सकर्मक क्रिया की। जैसे मैंने यहां पर लिखा मोहन, मोहन पत्र पढ़ता है। अब देखो मोहन कौन है? पत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति है। तो मोहन क्या होगा यहाँ पे? कर्ता। पढ़ना क्या हो गई इसकी? क्रिया। है क्या होगी इसकी? सहायक क्रिया। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा आपको, इसमें सहायक क्रिया इसको क्यों बोलते हैं अपन, ठीक है, आगे बताऊंगा इसमें। ये हुई क्रिया, उसने कर्म क्या किया? पत्र को पढ़ा, ठीक है। मोहन पत्र पढ़ता है, तो मोहन हो गया कर्ता। कर्म क्या किया उसने? पत्र को पढ़ लिया। तो पत्र क्या होगा इसमें? कर्म होगा। तो जिन क्रिया वाक्यों में कर्म उपस्थित होता है या पूर्ण रूप से विद्यमान होता है या कर्म छिपा हुआ रहता है उन्हें अपन एक सकर्मक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिखूं, जरा ध्यान से सुनना, उदाहरण के तौर पर यदि मैंने लिखा यहाँ पे मोहन खेलता है, तो बताओ इस क्रिया वाक्य में कर्म उपस्थित है अथवा नहीं है? ध्यान से बताओ मुझे पढ़कर कि इस क्रिया वाक्य में कर्म है या नहीं। तो देखने से लग रहा होगा इसमें, देखो नहीं लिखा कहीं पे, ये क्या हो गया? मोहन हो गया कर्ता, खेलना क्या हुआ? क्रिया। और यह क्या हो गया इसकी? सहायक क्रिया। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं पर भी कर्म नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या बोल दोगे? सकर्मक क्रिया, जो कि क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें कर्म लिखा नहीं है लेकिन वो पूर्ण रूप से उसमें छिपा हुआ है, विद्यमान है। वो कैसे जानेंगे? यदि मैं इसी वाक्य में को ऐसे लिख दूं, मैं मोहन फुटबॉल खेलता है,
खेलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फुटबॉल शब्द क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो परिभाषा के अनुसार इस ये क्या होना चाहिए, सकर्मक क्रिया होना चाहिए इसमें। तो देखो कहने का मतलब क्या होता है, यदि वो कर्म का नाम दे अथवा ना दे, जैसे मैंने बोला मोहन खेलता है और मैंने बोल दिया मोहन फुटबॉल खेलता है, तो जब मैंने फुटबॉल उसको शो किया तो आपने कहा कि फुटबॉल खेल रहा है वो, लेकिन जब मैंने बोला कि मोहन खेलता है तो मोहन खेलता है ग्राउंड में गया है खेलने के लिए, कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा ना, वो बैठा थोड़ी होगा वहां पे, जरूर थोड़ी कि वो फुटबॉल ही खेल रहा हो या क्रिकेट खेल रहा हो या कोई और प्रतियोगिता की जो क्रियाएं होती है वो कर रहा हो। तो खेलने से मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा। जैसे मैंने बोला राधा पत्र लिखती है, तो राधा अपने हाथ से क्या कर रही है, पत्र को लिख रही है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि राधा पत्र लिखती है तब भी तो वही लिख रही है ना, लिख रही है ना, हाथ चला रही है ना, तो वो तब भी क्या हो रहा है, सकर्मक क्रिया उपस्थित है। यदि मैं कर्म का नाम लूं या ना लूं तब भी क्या होती है, उसमें सकर्मक क्रिया विद्यमान होती है। तो इसमें क्या होगा, सकर्मक क्रिया उपस्थित होगी लेकिन वो कैसी होगी, उसी में छिपी हुई होगी, उसी में विद्यमान रही होगी वो, ठीक है। तो जिन क्रिया वाक्यों में मान लो कर्म उपस्थित नहीं होता है लेकिन फिर भी कर्म हो रहा होगा, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया बोलेंगे, ठीक है। और इसमें कितने कर्म है, एक एक कर्म उपस्थित है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक सकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे एक और उदाहरण मैं यहाँ पर लिख के दे दूं आपको, इसी का उदाहरण दे दूं, मोहन खाता है। अब क्या हो गया यहाँ पे, फिर न्यूसी लाइन दे दूं मैं, मोहन खाना खाता है। तो दोनों में क्या अंतर है, मोहन थाली लगा के बैठा हुआ है, मैंने कहा, माने कहा मोहन खाना खा रहा है, तो उसमें क्या आ गया, खाना शब्द क्या हो गया, कर्म हो गया। और मोहन बैठा हुआ है, भैया ने बोल दिया मोहन खाता है, मतलब वो दिख रहा होगा कि ये खाना मतलब खा रहा है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो जब उसने बोला खाना शब्द का प्रयोग किया तब भी उसमें कर्म है, जब उनने ये बोला तब भी उसमें क्या है, कर्म, क्योंकि खाना तो उसके पेट में जा रहा है ना, वो चीज को खा रहा है। तो भले ही कर्म उसमें लिखा हो अथवा ना लिखा हो फिर भी उसमें क्या होता है भाई, हिडन होता है, छिपा हुआ रहता है, विद्यमान रहता है। तो ऐसे क्रियावाक्य जिनमें कर्म लिखा हुआ हो या फिर छिपा हुआ है उनमें भी क्या होता है, सकर्म क्रिया होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अब आगे हम इसमें जानेंगे द्वि सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसका स्क्रीनशॉट लेना अच्छे से, उसको रिवाइज कर लेना एक बार। तो हेडिंग लिखना द्वि सकर्मक क्रिया। तो द्वि सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, वे क्रियावाक्य जिनमें दो कर्म पाए जाते हैं, द्वि सकर्मक क्रिया, वे क्रियावाक्य जिनमें दो कर्म पाए जाते हैं उन्हें द्वि सकर्मक क्रिया कहते हैं, एवं कर्म को मतलब एवं वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, को विभक्ति का। तो वहां पर क्या होता है, द्वि कर्मक द्वि सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया राधा मोहन को पत्र लिखती है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, राधा मोहन को पत्र लिखती है। एक तो हो जाएगा क्या, पत्र, और दूसरा क्या हो जाएगा, मोहन, और ये होगा कर्ता। देखो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, राधा मोहन को पत्र लिख रही है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, राधा कर रही है, तो राधा कौन होगी यहाँ पे, कर्ता होगी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे। और मैंने क्या कहा था, इन दोनों कर्मों के बीच में को विभक्ति का प्रयोग हुआ होना चाहिए। तो वहां पे क्या होती है, द्वि सकर्मक क्रिया। ये चीज क्या हो गई, ओनली क्रिया, और ये वाली क्या हो गई, सहायक क्रिया, ठीक है। तो जिन क्रिया वाक्यों में एक व्यक्ति काम कर रहा हो दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो वहां पे क्या होता है, अपना द्वि सकर्मक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो एक को बोलते हैं अपन, इस वाले को उसका नाम बता रहा हूं मैं आपको, इसमें जो एक सजीव व्यक्ति होता है, ये मोहन कौन है, सजीव है, इसको क्या बोलेंगे अपन, गौण कर्म।
और जो निर्जीव होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रधान कर्म। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के तौर पे कि चलो यहां लिख देता हूं, उधर यहां समझ लेना एग्जाम्पल। माँ शिशु को दूध पिलाती है, तो देखो यहाँ पे काम करने का, दूध पिलाने का काम कौन कर रही है? माँ कर रही है। तो माँ शिशु को, इन दोनों के बीच में क्या आ गया? कोई व्यक्ति आ गई, तो ये कौन सा हो जाएगा? गौड़। और ये कौन सा हो जाएगा? प्रधान। ये हो जाएगी क्रिया और ये हो जाएगी सहायक क्रिया। तो इस वाक्य में क्या होंगे? दो कर्म होंगे, एक गौण और एक प्रधान कर्म। जो व्यक्ति सजीव होता है, जो वस्तु या व्यक्ति सजीव होता है उसे क्या बोलते हैं? गौण कर्म। और जो निर्जीव होता है उसे क्या बोलते हैं? अपन प्रधान कर्म बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरे कर्म वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आगे अपन जानेंगे इसमें अकर्मक क्रिया के बारे में कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो इसको अपने लिए एक बार स्क्रीनशॉट याद रखना है कि को व्यक्ति का प्रयोग इन दोनों के बीच में हो रहा होगा, तो ही वहां पे क्या होता है? अपना दुई सकर्मक क्रिया हो रही होती है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं। इसका एक पार्ट और बचा हुआ है इसमें, जो इसका भाग है, प्रकार रहा है जो इसका, वह क्या है? इसका अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं? अ मतलब होता है नहीं, और कर्म मतलब क्या होता है? कर्मक मतलब होता है कर्म। तो जिन क्रिया वाक्यों में कर्म नहीं पाया जाता है, अ मतलब क्या होता है? नहीं, कर्मक मतलब वही कर्म या फिर क्रिया को करने वाला। ठीक है, तो जिन क्रिया वाक्यों में कर्म नहीं पाया जाता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, या फिर एक और परिभाषा क्या होती है कि जिन क्रिया वाक्यों में जो क्रिया घटित हो रही होती है वह अपने आप हो जाए, स्वतः हो जाए, तो उन्हें, उसे अपन क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, जो सब चीजें अपने स्वभाव से होने चालू हो जाए, स्वभाव से स्वतः हो जाएं, क्या बोलेंगे? वे क्रियाएं, जो स्वभाव से स्वतः हो जाती हैं, पूरा लिख लो, अच्छे से लिख लो इसको, स्वभाव से हो जाती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर कहने का मतलब क्या है? वे क्रिया वाक्य जिनमें जो क्रिया घटित हो रही होगी उसको करने के लिए कर्म ना करना पड़े अपन को। सपोज मैंने उदाहरण के तौर पे यहां पे लिखा, मोहन सोता है। अब बताओ मुझे, सोता एक क्रिया है क्या? है सहायक क्रिया। मोहन कौन है? करता है। क्या किसी व्यक्ति को सोने के लिए कोई काम करना पड़ता है क्या? कर्म करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता, बिस्तर लेटो और नींद लग जाती है। ठीक है, तो वे क्रियाएं जो अपने स्वभाव के दौरान स्वतः ही पूरी हो जाती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल लिखते हैं अपन यहाँ पे, श्याम रोता है। रोना भी क्या है? हमारा स्वभाव की क्रिया है। एक और क्रिया बोल सकते हैं, राधा प्रसन्न होती है। तो प्रसन्न होना क्या है? हमारे स्वभाव की क्रिया है ना, तो वो भी क्या हो गया? हमारा अकर्मक क्रिया होगा। एक और इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये वाली चीज, बहुत सी बुक्स में दिया है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसको लेकर बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें सकर्मक क्रिया होगी, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये सकर्मक नहीं होगी, अकर्मक क्रिया होगी। क्योंकि पक्षियों का स्वभाव होता है उड़ना। जैसे हमारा स्वभाव क्या होता है? सोना, रोना, या फिर प्रसन्न होना, या फिर चलना, ये सब क्या होता है? हमारे स्वभाव में होता है। तो वे समस्त क्रियाएं जो हमारे स्वभाव से अपने आप ही घटित होने लगती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया वो बोलते हैं, उनमें कर्म नहीं होता है। उसी प्रकार से पक्षियों का स्वभाव क्या होता है कि वह आकाश में क्या होते हैं? उड़ रहे होते हैं। जैसे मैंने दिया कि मोर नाचता है, तो जब बारिश होती है तो मोर का स्वभाव होता है नाचना,
तो मोर नाचता है, यह उसका स्वभाव है, तो ये भी कौन सा होगा, अकर्मक क्रिया होगा। जैसे यदि मैं बोलूं हाथी चिंघाड़ता है, उसका साउंड निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, चिंघाड़ना। तो हाथी का चिंघाड़ना क्या होता है, उसका स्वभाव है। तो वे समस्त क्रियाएं जो स्वभाव से क्या होती हैं, घटित होने लगती हैं, उन समस्त क्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपको विकारी शब्द के बारे में पढ़ाया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसमें आज हमने जाना कि क्रिया का सबसे सूक्ष्म रूप क्या होता है, या मूल रूप क्या होता है, धातु होती है। धातु शब्दों में जब हम ना प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उससे क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर एवं संरचना एवं बनावट के आधार पर। आज हमने जाना कर्म के आधार पर जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की, एक क्या होती है इसमें सकर्मक क्रिया और दूसरी क्या होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक सकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। एक सकर्मक क्रिया क्या होती है, वे क्रिया वाक्य जिनमें एक कर्म पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं, एक सकर्मक। और वे क्रिया वाक्य जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं, जिसमें एक कर्म सजीव होता है, जिसे अपन गौण कर्म कहते हैं, जिसमें एक कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रधान कर्म। और दोनों को जोड़ने के लिए को व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, द्वि सकर्मक क्रिया कहते हैं। और वे समस्त क्रियाएं जो अपने स्वभाव से संपूर्ण होने लगती हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आज हमने इतना जाना, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे संरचना या बनावट के आधार पर क्रियाओं के भेद। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू बच्चों।